वेलकम बैक टू माई चैनल। ठीक है, तो यार नए लुक तो आपने मेरे पहले वाले व्लॉग में देख ही लिया है। तो ये अपना लुक है भाई। पापा बोल रहे हैं ऐसे स्मार्ट लग रहा है, मम्मी ने ये बोला कि ऐसे स्मार्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यार अब उन्होंने बोला है तो उनकी बात कैसे टालूं। ठीक है, ऐसे ही रह के देखते हैं कैसा लगता है। बाकी अभी देखो फ्रेंड से रिव्यूज़ लेंगे, अभी मेरे किसी फ्रेंड ने देखा नहीं है कि वो मैं कैसा लग रहा हूँ। गालियाँ पड़ने वाली हैं मुझे पता है, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे वो। आपको भी पता है मैं किस कमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो बट वो मैं व्लॉग में ले नहीं सकता क्योंकि यार अच्छी चीज़ नहीं होती वो चीज़। ठीक है, और अभी एक हादसा और हो गया पाजी के साथ, दर्दनाक हादसा हुआ है। मतलब हादसा इन द सेंस उनका एक्सीडेंट हो गया पाजी का। तो यार मतलब ये है कि मुझे उनको मुझे रात को ही बताना चाहिए था, उन्होंने बताया नहीं है। और बंदा यार यूनिवर्सिटी आया हुआ है क्लास लेने के लिए, देख रहे हो उस बंदे की डेडिकेशन देखो। ठीक है, मैं पाजी के लिए एक सैंडविच बना कर लाया हूँ यार। ठीक है, पाजी को सैंडविच दूंगा मैं। ठीक है, पाजी से पूछेंगे कैसा बना। तो यार मेरे को अच्छा लगा यार, मेरा वो दोस्त हैं यार, मतलब उनके साथ ऐसा हो गया, उन्होंने बताया भी नहीं। अभी देखते हैं, मिलवाता हूँ उनसे यार, वो बहुत दर्द में है, कैसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी एक बार बात करेंगे पाजी से, क्या चीज़ है क्या नहीं है, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। चलते हैं अभी पाजी के पास, उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा होगा, अपने फेस को लेके देखूँगा। ऐसा है कि मैंने बुलाया तो पाजी को था कि पाजी एक बार बाहर आ जाओ। मैंने पाजी को झूठ बोल के बुलाया कि एक मिनट बाहर आओ, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। पाजी तो आए नहीं है, पाजी ने अपनी एक असिस्टेंट को भेजा है मेरे पास। मैं पाजी के एक असिस्टेंट है डोसा, ठीक है, सुष्मिता नाम है इसका। पाजी ने इस असिस्टेंट को भेजा है बुलाने के लिए कि मेरे को वो लेकर आएगी। अब इसका रिएक्शन नोट करते हैं। ये जी डोसा, डोसा पहले आए कर। हेलो, ये देख डोसा, मेरे साथ एक हादसा हो गया। क्या हो गया? व्हाट द फक। देखा आपने, इसने भी यही गालियां मकी। मैंने आपको बोला था लोग गालियां मकेंगे, बट जो हो गया अब वो हो गया। अभी मैं पाजी का रिएक्शन देखने जाता हूँ। पाजी कहाँ बैठे हैं? जा रहा हूँ पाजी का रिएक्शन देखने के लिए। ऊपर देखते हैं, लाइब्रेरी में आ चुका हूँ मैं। ये आ गया मैं पाजी के पास। जी हैं, ठीक है, ये मैम। पाजी कैसा लग रहा है? पाजी कोई कमेंट करना चाहोगे आप? पाजी मुझे देखे जा रहे हैं। पाजी अभी नीचे से पैसे निकाल रहे, करिए पैसे रख ले तू अपने पास, पर कोई बात नहीं। देखो जो हो गया हो गया। देखो पाजी कह रहे हैं चूसा हुआ आम लग रहा है, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। चिढ़ रहे हैं मुझसे, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। पाजी के साथ एक हादसा हो गया है, पाजी के साथ एक एक्सीडेंट हो गया है। तो वो एक्सीडेंट क्या हुआ पाजी, दिखाना क्या हुआ है आपके, कहाँ चोट लगी है? पाजी के यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। वो एक्सीडेंट ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ देखो क्या हुआ था। पाजी घर गए थे तो भाभी ने बेलन से मारा है। अब वो बेलन से मारने का क्या वो मिला यार, बोल के ना निकलना नहीं चाहिए कभी भी घर से। मैंने पाजी को कितनी बार बोला था। अब पाजी तो गाइज यार हुआ यूँ ना, अब हम पाजी को लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के पास। ठीक है, अब ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि दो वीडियो में डिलीट कर चुका हूँ। पाजी ने डिलीट करा दी, एक में वो सुष्मिता ने गालियाँ बक दी थी। ठीक है, तो वो डिलीट करनी पड़ी यार। गालियाँ पता नहीं क्यों ये दे देते हैं यार ब्लॉग के अंदर ना, तो मुझे वो पसंद नहीं यार। सबकी फैमिलीज देखती हैं, अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो डिलीट हो गया। फिर दूसरे वाले में क्या हुआ, थोड़ा मतलब यूबड़ खावड़ हो गया रोड, तो मेरा गिरने से बच गया। फिर वहाँ पर मेरे को वो व्लॉग काटना पड़ा, डिलीट कर दिया। दूसरी बार दोबारा ये। ठीक है, तो हम जा रहे हैं पाजी को डॉक्टर के पास लेकर, जहाँ पे पाजी ने जो अपॉइंटमेंट की फ़ीस दी है डॉक्टर को, वो दिया 5500 रुपये। और उसके अंदर होगा कुछ नहीं, जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली आज़ादपुर में डॉक्टर प्रणामी है, थेरेपी के 150 रुपये लेते हैं, वही यहाँ पर 5500 रुपये, मतलब 5500 रुपये। बस ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं पाजी के दिल में जो बीत रही है ना 5500 जाते हुए, वो पाजी की शक्ल देख के आप बता ही दोगे कैसा लग रहा है पाजी 5500 रुपये देते हुए। बहुत माड़ा लग रहा है, बहुत माड़ा लग रहा है। तो बस हुआ कुछ नहीं है पाजी को यार। पाजी बस में जा रहे थे तो पाजी को नींद लग गई, नींद ऐसी लगी वो दिल तक छू गई वो नींद पाजी को, और वो गर्दन पाजी ने सीट पर ऐसे करके यूँ रख ली, और बस वहीं से वो पाजी की, पाजी कह रहे नस दब गई। एक तो इनकी आंखों में एक्सरे है जो पीछे यूँ गर्दन करके यूँ देख लेते हैं, और इनको पता लग जाता है कि हाँ मेरी नस दब गई। बिना डॉक्टर से पूछे पूछे इन्होंने खुद ही कह दिया कि मेरी नस दब गई, पता ही नहीं। अब मैंने यार थोड़ी मसाज से दी थी, कह रहे रिलीफ नहीं मिल रहा। फिर एक और फुद्दू कट गया हम लोगों के साथ। हम लोग अभी फार्मेसी गए, वहाँ पर हमने दवाई खरीदी। अब वो दवाई इन्होंने इतनी ज़्यादा दे दी है, वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आप UK में कोई भी है ये व्लॉग देख रहा है, और उसको ये अगर वो किसी भी फार्मेसी से टैबलेट्स या फिर दवाई खरीदता है तो वो रिटर्न नहीं होती है, तो सोच समझ के लेना यार। ठीक है, अभी फिर डॉक्टर दिखाते हैं क्लिनिक कैसा है कैसा नहीं है। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, पेन क्लिनिक पर, जहां से पाजी को मिलेगा थेरेपी, मिलेगी पाजी को यहां से। देखो
ये रहा पेन क्लिनिक, ये पेन क्लिनिक का गेट है, अब यहाँ ये एरो दिखा रहा है। पाजी आगे चल रहे हैं, देखो टेढ़े चल रहे हैं पाजी, लेफ्ट साइड को झुक गए हैं, ठीक है। पर यार तकलीफ़ में है यार वो बहुत ज़्यादा ना, अच्छा नहीं लग रहा मुझे ऐसे देख कर उन्हें। कोई हेल्प अगर कोई इंडिया से भी या फिर किसी भी कंट्री से पाजी के लिए कोई भी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं पाजी का नंबर दूंगा, पाजी को फ़ोन पे थोड़ी बात करें पाजी से, पाजी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं यार। पाजी हम घुस गए अंदर। Hawthorne Crescent. Where? Hawthorne. And do you have a room on campus? Do you stay on the campus? No. You're in the we town. Stay in Hayes. Oh, I see. Oh, well. He's staying in Kingston and he is just coming from there. Oh. Delhi. And you were saying? Yeah. Well, his next gets caught. Any pain? No. No, you're not going to feel much. It's been around 5,000 years, acupuncture. Oh, yeah. Started by the Chinese, we believe. Yeah. These most of the things like the massage, the Thai... Sorry? The massage has been also, I think, started by the Thai. Yes. Yeah, that's why... Like everybody, you can see the Thai massage. We've done it at the massage center also. We do that here. We've got two girls doing Thai massage. Thai girls who work here. Mm. Okay. And one ordinary girl who does standard massage on the table. Okay. They're all good therapists. They all have their place. So we should have these in our daily routine. We should. Acupunctures or the therapies. Or not the just doing a gym. It's just sufficient for our life. Nice. Totally, Pish. You see, the thing is, you know, we've got, in this country, we have Western medicine, as you know, and it's not even 200 years old. And you have the ancient systems of therapy, like Ayurvedic you have in India, and Chinese, Tibetan, Brazilian medicine, all of these, they go back thousands of years, and they all work the same way, yeah? They treat the root. Yeah. Yeah? If you've got a skin condition like eczema, and you go to a Western doctor, yeah, he'll put some cream on like Benlevate, yeah? Whereas you go to a Chinese doctor, he'll say, yeah, but that doesn't answer the question. Why is the skin erupting in the first place? There's got to be some imbalance in the body. Let's correct the imbalance. Mm. And all of the old systems work that way. And here we have, we've got the NHS. We've got the whole NHS built around a system that's probably fraud. A system of diagnostics that's probably not correct. Yeah, that's the point. I'll leave you a minute, Harminder. Okay, okay. Yeah, thank you. So guys, ye dekho, ye ho gaya hai paaji ke liye acupuncture, theek hai? ये पाजी को पिंस वगैरह लगा दी गई हैं, ठीक है। अभी इनको मसाज दी गई थी, वो व्लॉग वो वीडियो में नहीं लिया है मैंने, ठीक है। ठीक नहीं लगता इस तरीके से यार। और अभी ये पिंस डाली हैं तो दर्द तो हुआ नहीं है, हल्का फुल्का जैसे चीटी काटती है वही पेन हुआ होगा शायद, मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं कराया। बट अभी जब पाजी के हो जाएगी थेरेपी, उसके बाद पाजी का रिव्यू लेंगे। यहां का मैं आपको एड्रेस भी डाल कर दूंगा कहां पर ये कैसे है अभी उनसे प्रॉपर लेकर। बट ठीक है यार, देखो मेरे को तो ठीक लगा ये चीज़, अगर कुछ मैं भी आना चाहूँगा एक बार यहाँ पर थेरेपी लेने। सो गाइस, दिस इज द पेन क्लिनिक एंड दिस इज द पेन क्लिनिक एंड हैज द लेडी, शी विल जस्ट गाइड यू ऑल अबाउट दैट व्हाट ऑल थेरेपीज। हेलो, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। I'm just here to explain about the Penn Clinic. We've been in operation for 40 plus years. We're a very well established clinic and we're mainly osteopaths here that operate. We also have three masseuse therapists here who have been with us, the staff have been with us a long, long time. Some of the osteopaths also offer acupuncture as part of their treatment. So yeah. Please come if you are in need of any issues that you may have and we can address them. You can find us on the website, any more information that you may require. And we do operate 6 days a week, so we do, we're able to get you in quite quickly.
So yeah, we look forward to seeing you if you ever have any problems. Thank you. तो यार हम लोग बाहर आ चुके हैं वहाँ से, ठीक है। तो पाजी से एक बार रिव्यू लेते हैं, पाजी को कैसा लगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी मैंने आपको दिखाई दिया, डॉक्टर ने भी रिव्यू दिया है, ठीक है। जो थे उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, और जो हमारे को रिसेप्शन पर मिली थी, ठीक है मैम, उन्होंने भी बताया, शी ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट एवरीथिंग व्हाट दे हैव, एंड नाउ लेट्स सी व्हाट पाजी इज सेइंग। पाजी बताओ। इट इज़ ऑल गुड। Do you want me to speak anything in Hindi or English, okay, in which you are comfortable? Okay. So, yeah, it was good. सारा कुछ अच्छा रहा और everything was good. और ठीक है, अभी थोड़ा relaxed feel हो रहा है, but उन्होंने बोला है कि एक दो दिन में पता लगेगा कि how it feels like, right? So, like, I will give you another review in 1-2 days. That will be much more realistic, right? Thank you. तो बस वही चीज़ है यार कि ना अब वो एकदम तो कुछ चीज़ पता नहीं लगेगी, अभी तो सब अच्छा ही लग रहा होगा क्योंकि अभी वो गरम गरम है, चोट भी होती है तो गरम गरम चोट पे पता ही नहीं लगता है यार कि दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद अब रिलीफ मिलेगा तो इनको वो 24 आवर्स के बाद मिलेगा, उन्होंने भी यही चीज़ बोली है। अब देखते हैं आगे चल के ना किस क्या है क्या नहीं है। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ जो भी वीडियो पसंद आती है, कोई भी गलती लगती है उसको कमेंट कर दो, शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं गाइस, लव यू।